दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ कुछ बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही लिखी गई है। दोस्तों, भगवान श्री राम को समर्पित मुख्यतः दो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें एक तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरी वाल्मीकि कृत रामायण। इनके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ भगवान राम पर लिखे गए हैं, लेकिन इन सभी ग्रंथों में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे सटीक और प्रामाणिक माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं रामायण से जुड़े 10 गजब के गुप्त रहस्य, जिनके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में यह वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने सीता से विवाह करने के लिए उनके स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया और उसका प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तो प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह शिव धनुष टूट गया। जबकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का कोई वर्णन ही नहीं है। वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे थे और विश्वामित्र के ही कहने पर राजा जनक ने प्रभु श्री राम को वह शिव धनुष दिखाया था। जब प्रभु श्री राम ने वह शिव धनुष देखा तो खेल ही खेल में प्रभु श्री राम ने उस शिव धनुष को उठा लिया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। चूंकि राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे, तो इसलिए राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह भगवान श्री राम से कर दिया। नंबर 2, दोस्तों, वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था और इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि रश्यशृंग ने संपन्न किया था। ऋषि रश्यशृंग महर्षि विभांडक के पुत्र थे। एक दिन जब महर्षि विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे, तब विभांडक ऋषि का नदी में वीर्यपात हो गया और उस जल को एक हर हिरणी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप ऋषि रश्यशृंग का जन्म हुआ था। नंबर 3, दोस्तों, यह हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया था, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे स्वयं शूर्पणखा ने भी लंकापति रावण को सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जिह्व था और वह काल के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला था तब उसे राजा कालकेय से युद्ध हुआ था। तब उसने उस युद्ध में अपने बहन के पति विद्युत जिह्व को मार दिया। तब रावण की बहन शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। इस वजह से लंकापति रावण का विनाश हो गया। नंबर 4, दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर युवती दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था और वो भगवान श्री हरि विष्णु का तपस्या कर रही थी, क्योंकि वह भगवान विष्णु को अपने पति रूप में पाना चाहती थी। रावण ने जब वेदवती को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और वह वेदवती के बाल खींचकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। तब उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपने शरीर का त्याग कर दिया और रावण को श्राप दे दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। उसी स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया। नंबर 5, दोस्तों, महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र मानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम वहां आए थे, जबकि वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तब भगवान परशुराम आए थे। उन्होंने भगवान श्री राम को अपने धनुष पर बाण चढ़ा के लिए कहा। जब भगवान श्री राम ने उनके धनुष पर बाण चढ़ा दिया तो परशुराम जी वहां से चले गए। दोस्तों, यह सब सुनकर आपको आश्चर्य जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। नंबर 6, दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी। भगवान राम के पिता राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे अपनी पत्नी के आगे वचनबद्ध थे। दोस्तों, श्री राम के पिता राजा दशरथ को जब भगवान श्री राम को वनवास जाने से रोकने की कोई उपाय नहीं सूझा,
तो उन्होंने श्रीराम से यह भी कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं अयोध्या का राजा बन जाओ। लेकिन दोस्तों, बंदी बनाने वाली बात तुलसीदास के रामचरितमानस में नहीं है। नंबर 7, दोस्तों हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अरण्य कांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। रामायण के श्लोक के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, यही कुल 33 देवता हैं। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। नंबर 8, दोस्तों रावण जब विश्व विजय पर निकला था तो वह यमलोक भी जा पहुंचा था। वहां पर यमराज और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था और युद्ध के दौरान जब यमराज ने रावण के प्राण लेने के लिए काल दंड का प्रयोग करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि रावण का किसी भी देवता के द्वारा वध संभव नहीं था। नंबर 9, दोस्तों तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने लंका जाने के लिए भगवान श्री राम को रास्ता नहीं दिया था, तब लक्ष्मण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण नहीं बल्कि भगवान श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए थे और उन्होंने समुद्र को सुखा देने वाले बाण भी समुद्र पर छोड़ दिए थे। तब लक्ष्मण व अन्य लोगों ने भगवान राम को समझाया था। नंबर 10, दोस्तों तुलसीदास कृत रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल का निर्माण नल और नील नामक दो वानरों ने किया था, क्योंकि नल और नील को यह श्राप मिला था कि उनके द्वारा पानी में फेंकी गई वस्तु पानी में डूबेगी नहीं, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र थे और वह स्वयं भी शिल्प कला में बहुत निपुण थे, इसलिए वे अपनी इसी कला के मदद से उन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। तो दोस्तों यह थे रामायण के कुछ ऐसे फैक्ट जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।